ये टॉपिक टू है तुम्हारा, क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल। एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ में, इसको इन्हें कोरोलरी बोला जाता है। कोरोलरी का मतलब आउटकम, आउटकम यानी मतलब ब्रांच जो इमर्ज होती है ना उसको बोला जाता है। सेज लो का कि सी इज इक्वल टू वाई, यानी तुम्हारा कंजम्पशन और तुम्हारी इनकम दोनों इक्वल हो जाएगी। सी यानी कंजम्पशन, वाई यानी इनकम। 38 क्लियरली ये वैलिड प्रीमाइस नहीं है, क्योंकि इसमें विड्रॉल भी होता है और लीकेज भी होता है। विड्रॉल कैसे होगा, अगर तुम सेविंग्स करोगे तो विड्रॉल है, बराबर ना। इट इज करेक्ट दैट प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इक्वल्स फैक्टर इनकम, लेकिन जितना तुम प्रोड्यूस करते हो ना उतना ही एग्जैक्टली क्या होगा, जितना प्रोडक्शन होगा एग्जैक्टली उतने प्रोडक्शन जितना ही फैक्टर की इनकम इक्वल हो जाएगी, राइट। बट सी इज नॉट इक्वल टू वाई इन द प्रेजेंस ऑफ एस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब सेविंग्स कुछ ना कुछ हो तो उसको एक ग्रेटर देन जीरो बोला जाता है, मतलब पॉजिटिव। अगर किसी ने सेविंग्स किया तो वो सेविंग्स यानी लीकेज हो गया। व्हेन वी अलाउ सेविंग तो रेट नेट रिजल्ट क्या आएगा, मैंने आगे भी बताया था कल अपने जेईई ही देखा था कि अगर अपने सेविंग्स करते हैं ना तो मार्केट में उतना पैसा कम जाएगा, और अगर मार्केट में उतना पैसा कम जाएगा तो डिमांड में डेफिशिएंसी आएगी, डिमांड में खामी आएगी, राइट। व्हेन वी अलाउ फॉर सेविंग द रिजल्ट वुड बी डेफिशिएंसी इन डिमांड और लोअर एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी हमारा खर्चा कम हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच विल कॉज फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इमरजेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप चाहते हुए भी एम्प्लॉयमेंट गेन नहीं कर पाते, आपके पास नौकरियां नहीं है। हाउएवर क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिनाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड इवन व्हेन एस इज पॉजिटिव, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने मना किया कि डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये भी हमने थोड़ा सा देखा था। मैंने क्या बोला था कल कि अगर हमने सेविंग्स किया तो सेविंग्स तब्दील हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है तो भले तुम कंज्यूमर गुड्स की डिमांड नहीं करोगे लेकिन इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड तो करोगे ना। तो इनकम अर्न फ्रॉम प्रोडक्शन विल बी पार्टली स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स और पार्टली कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा, उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। सो दैट ऑफ टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वॉट एवर इज नॉट स्पेंड बाई कंज्यूमर्स ऑन कंजम्पशन गुड्स रिप्रेजेंट्स एक्सपेंडिचर बाई प्राइवेट बिजनेस फॉर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। तो हम यहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं कि सी प्लस आई टोटल आउटपुट के इक्वल हो जाता है, मतलब जो तुम कंजम्पशन करते हो वो और जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो दोनों को मिला दो तो वो इनकम के इक्वल हो जाएगा, सॉरी आउटपुट के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल आउटपुट इज इक्वल टू सी प्लस आई, लेकिन हमने ये भी देखा कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस है, क्योंकि टोटल इनकम के दो अलग अलग हिस्से होते हैं, एक कंजम्पशन में जाता है एक सेविंग्स में जाता है। तो हम यहाँ पे ये समझ ले कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बिजनेस की तरफ से किया जाता है, लेकिन सेविंग्स करने वाला कौन है, हाउस होल्ड। सेविंग्स करने वाला टू सेक्टर मॉडल के अंदर हमने ये देखा था कि सेविंग्स करने वाले कौन होते हैं, हाउस होल्ड। नाउ एट फुल एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड सेविंग्स विल बी स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाई बिजनेस सेक्टर एज कैपिटल गुड्स। जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है ना वहाँ पे जो हाउस होल्ड की सेविंग्स है वो कैपिटल गुड्स के ऊपर स्पेंड की जाएगी। देयरफॉर सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। हियर कैपिटल मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल। कैपिटल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू यानी वो डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। व्हेन विल इन्वेस्टमेंट बी इक्वल टू हाउस होल्ड सेविंग्स एज पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड ब्रिंग आई इज इक्वल टू एस। आई इज इक्वल टू एस यानी इंटरेस्ट अरे सॉरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों इक्वल कैसे होंगे, इंटरेस्ट रेट के कारण। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्न इज डिटरमाइंड इन द कैपिटल मार्केट। तो अब याद रखो कि अगर आपको पूछा जाए कि कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट कौन कौन से, तो इसमें सबसे पहला इंटरेस्ट रेट आएगा, याद रखो। यहाँ पे सेविंग एंड डिमांड फोर अंडरलाइन करो, इन्वेस्टमेंट है।
अब इन्वेस्टमेंट की रिलेशनशिप नेगेटिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, लॉजिक समझो इसके पीछे। अगर बैंक हमको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है तो हम रिस्क लेके बिजनेस में क्यों इसको इन्वेस्ट करें, वहीं से पैसा ना कमा ले। तो इसलिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेगा। सेविंग्स बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो लोगों को लगेगा कि कोई जगह पे दूसरी जगह पे रखने से ज्यादा अच्छा कहाँ पे बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करना है, क्योंकि वहां से इनकम ज्यादा मिल रही है। तो उसके नेगेटिव रिलेशनशिप किसके साथ में, इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, लेकिन सेविंग पॉजिटिवली रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट के साथ में। अब दोनों अगर पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर डायग्राम जाएगा, जिसमें एस एस लिखा है वो डायग्राम में, एस एस जो बनाया है वो तुम्हारा सेविंग्स का कर्व है, और आई आई जो बनाया वो इन्वेस्टमेंट का कर्व है। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो आई टू जहाँ दिख रहा है, जहाँ पे आई टू है वहां पे हम देख सकते हैं कि गैप है किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में, यानी इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग्स ज्यादा है, राइट साइड वाली चीज ज्यादा होती है लेफ्ट साइड चीज वाली चीज कम होती है। तो सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि हमको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आएगा बराबर। लेकिन अगर तुम आई वन की बात करो तो आई वन के वक्त तुम देख सकते हो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स कम है, तो हमको इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये इंक्रीज होके ऊपर की तरफ आएगा राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर मैं इन्वेस्टमेंट को कम करता हूँ, देखो क्या किया, इंटरेस्ट मैकेनिज्म को चेंज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया, ध्यान देना बराबर से इसमें। देखो रिसेशन या तो डिप्रेशन में, डायग्राम के नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, रिसेशन या तो डिप्रेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट में फॉल ड्यू टू फॉल इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब आई आई की जगह पे आई डैश समझे, आई आई की जगह पे क्या आएगा, आई डैश इस तरह से डायग्राम नया मिलेगा, पर वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। और फॉल इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट बाई डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे डायग्राम में के ई जितना चेंज होगा, के ई जितना चेंज होगा। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले हमारा इन्वेस्टमेंट था जीरो से, सॉरी ओ टी जीरो था, ओ टी जीरो नीचे लाइन, नीचे के लाइन एक्स एक्सिस पे देखो, ओ टी जीरो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब कम हो गया कितना हो गया, ओ टी टू हो गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी राइट साइड के, सॉरी लेफ्ट साइड के ऊपर गया राइट साइड से, तो इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट आता है राइट। अब यहाँ पे ये साबित हुआ कि अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो सेविंग्स तुम्हारा बढ़ जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट अगर कम हो गया तो सेविंग्स तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इससे हमको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट को कम करता हूँ तो वापिस एस इज इक्वल टू आई हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट को कम करके कहाँ ले आऊंगा, मैं आई वन की तरफ ले आऊंगा, डायग्राम में देखो आई वन, यानी इंटरेस्ट रेट को कम करके हमको कहाँ पे ले आना है, आई वन की तरफ लेके आना, ये कम किया बराबर, इतना कम हुआ। अब ध्यान दे, Thus the change in rate of interest would guarantee that the equality between investment and saving and aggregate demand for output would be equal to the aggregate supply of output, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे का सीधा सीधा रीजन ये है कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं पहले एकदम नटशल में इसको समझा देता हूँ। पहली बात, हम ऐसा मान के चलते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं, पर सेविंग्स करने वाला कौन है, हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट करने वाले बिजनेस फॉर्म से राइट। जब डिप्रेशन का टाइम आता है तो क्या चेंज आता है, डिप्रेशन के टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट का कर्व लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, तो हमारे डायग्राम में इन्वेस्टमेंट पहले टी जीरो था, अब वो टी
टू हो गया, इसका मतलब वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया। अब ये लेफ्ट साइड से शिफ्ट करने के बाद अगर मुझे ये देख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया, लेकिन उसके सामने सेविंग्स तो ऊपर का ऊपर रहेगा। पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल थे, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो सेविंग्स ऊपर रहेगा, तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो गया। अब अगर सेविंग ज्यादा है तो उसको वापस सेटल डाउन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे लाने के लिए हमको इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो वापिस एस इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ऐसा ये डिप्रेशन में ऐसा ही होता है, डिप्रेशन में अपने देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है, बराबर ना। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थियरी है, आज के जमाने में भी इतनी कुछ कुछ जगह पे एप्लीकेबल है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट पेज पे, दैट इज व्हाट इज चेंजिंग हियर इज द आउटपुट मिक्स। यहाँ चेंज क्या हो रहा है, अंडरलाइन करो, आउटपुट मिक्स, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग एज बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स, नॉट द लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सेम रहता है ऐसा बोला गया है, लेकिन उसका मिक्स जो है ना वो चेंज हो जाता है। यानी पहले हम कंजम्पशन किसका ज्यादा कर, सॉरी, हम कौन से चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, अब हम इन्वेस्टमेंट गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा प्रोडक्शन सेम है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर मैं 50 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करता हूँ एक कंट्री के अंदर, तो 50 लाख करोड़ का कंट्री का प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। पहले कंज्यूमर गुड्स का हिस्सा ज्यादा होगा या कम होगा, तो बाद में अब प्रोड्यूसर्स गुड का यानी इन्वेस्टमेंट गुड्स का हिस्सा कम या तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसा देर विल कंटिन्यू टू बी फॉल फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन विद इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड लेबर मार्केट। अब देखो प्रोडक्ट मार्केट, ध्यान दो, प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आएगी, बराबर से सुन, प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जो 11th स्टैंडर्ड में तुमने सीखा था डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाएंगे वहां प्राइस डिसाइड होती है, बराबर। अब कैपिटल मार्केट कब आएगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहां पे इक्वल हो जाता है वहां पे, और जो लेबर मार्केट है वो कब, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर जब इक्वल हो जाएगा तब। तो तीनों दिन इक्विलिब्रियम में जब हो ना, तो उसको फुल इक्विलिब्रियम बोला जाता है, और इसको अपने दूसरे नाम से बोलेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर तीन में से किसी भी एक चीज के अंदर इक्विलिब्रियम ना आए तो उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, राइट। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, जो तीन चीजें मैंने समझाई। इन द क्लासिकल सिस्टम देयर कैन नॉट बी एनी सेविंग, क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट डज नॉट होल्ड व्हेन देयर इज सेविंग इन द सिस्टम। अंडरलाइन करो, ये सेविंग जहां पे होगा ना वहां क्लासिकल गलत है। तो सेज लो इज इनवैलिड विद सेविंग, सेविंग के साथ में सेज लो ऑफ मार्केट ऑपरेटेड नहीं करता, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द क्लासिकल मॉडल आर चार चीजों का फंक्शन। ये भी अंडरलाइन करो, पहले प्राइस, उसके बाद में कंज्यूमर की इनकम, तीसरा मार्केट में मनी सर्कुलेशन में कितना है वो, और चौथा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये चार चीजों का टोटल। अब क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी प्राइस एंड इन्फ्लेशन, इसके बाद वाला टॉपिक है। क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। मॉनेटरी सिस्टम फुल एम्प्लॉयमेंट को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी लेबर मार्केट में, बराबर ने, इवन इन डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, पहली बात, यानी अगर डिमांड कम हो ने तो भी इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी, क्लासिकल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइंस ओनली द प्राइस लेवल ऑफ आउटपुट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सुनो, ये सब एजम्पशन है उसके। पहले क्या बताया, क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मार्केट में जितना पैसा ज्यादा होगा ना, तो फर्क क्या पड़ेगा, किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, खाली प्राइस के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तीसरी बात, क्लासिकल आल्सो हेल्ड दैट द क्वांटिटी ऑफ मनी वुड लीव अनअफेक्टेड रियल वेजेस द रेशियो ऑफ मनी वेजेस टू द प्राइस लेवल। यानी रियल वेजेस है ना हमेशा चेंज नहीं होगी इसके अंदर, अनअफेक्टेड। देखो वुड लीव अनअफेक्टेड का मतलब क्या, चेंज नहीं होना, तो क्या चेंज नहीं होगा, रियल वेजेस चेंज नहीं होंगे उसके। अब हेंस विद इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई इट इज ओनली प्राइस लेवल जो चेंज होगा, लेकिन रियल वेज चेंज नहीं होंगे, और लेबर मार्केट
हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, जब एस इज इक्वल टू आई होगा, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे तब। अब क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, इसमें ट्रांजेक्शन वर्जन देखो। देखो अब इसमें एम बी डी इज इक्वल टू बी डी डी, ये एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब एक सूत्र थे, इसका मतलब एम यानी क्या, क्वांटिटी ऑफ मनी। ये आपको एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर से सम पूछा जाएगा, एक अज मार्क का ये पूछते हैं। देखो एम इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी एन सम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। बी टी यानी ट्रांजेक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी, पैसा कितनी जल्दी सर्कुलेट होता है मार्केट में, इसको वेलोसिटी ऑफ मनी बोला जाता है। पी यानी प्राइस लेवल और टी यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने ट्रांजेक्शन होते हैं वो। अब यहाँ पे आपको अगर वी टी फाइंड आउट, इसी तरह से बोला जाएगा, आपको फाइंड आउट करना होगा वेलोसिटी ऑफ मनी, तो हम क्या करेंगे, पीटी अपॉन एम, मैंने इसमें से टी निकाल देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये इक्वेशन हो, इसमें से आप ये टी निकाल दो दोनों तरफ से। किस तरह से, देखो एम वी इज इक्वल टू पी टी लिखो, क्या लिखेंगे, एम वी इज इक्वल टू पी टी, डबल टी लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर ने? इसमें पी का मतलब प्राइस, टी का मतलब ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, पी का मतलब वेलोसिटी और एम यानी सप्लाई ऑफ मनी। तो आपको ये चार में से तीन चीजें दी जाएगी, अपने एम वी इज इक्वल टू पी टी याद रखने का। एम यानी याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एम यानी क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी, मार्केट में कितना पैसा है वो, और बी यानी वेलोसिटी ऑफ मनी, उसके बाद में पी यानी प्राइस लेवल, और इसके बाद में डी यानी क्या आएगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अब क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस लेवल, द सप्लाई ऑफ मनी डिटरमाइंस द प्राइस लेवल इन इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्वांटिटी मनी थियरी ऑफ मनी इज जनरली एक्सप्रेस बाय फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ये जो मैंने बोला वो एम बी इज इक्वल टू पी वाई, जो मैंने अभी बोला वो, इसमें वाई यानी लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट थोड़ा सा चेंज हुआ इसके अंदर। नाउ इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी, ये आपको एमसीक्यू में आएगा, पेज नंबर तुम्हारे 41 के ऊपर है, देखो पेज नंबर 41 पे लिखा है इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी, क्या बोला जाता है इसको, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी इज यूज फॉर परचेज ऑफ करंट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पीरियड से ड्यूरिंग अ ईयर, और वेलोसिटी को हमने क्या कंज्यूम एज्यूम किया है, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब एक ही पैसा कितनी बार मार्केट में घूमता है, जैसे कि मैंने जो पैसा कमाया मैंने तुमको दिया, तुमने उसको तीसरे को दिया, तीसरा जो इंसान है वो चौथे को पैसा दे रहा है, इस तरह से पैसा वही है लेकिन वो हाथ में अलग अलग घूमते जा रहा है, तो एक ही पैसा अलग अलग चीजों को खरीदते जा रहा है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ मनी बोला जाए। फिर उसके बाद में सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी हमने क्या माना है, कॉन्स्टेंट, यानी तीन चीजें कॉन्स्टेंट है, एक तो वेलोसिटी, सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें कॉन्स्टेंट है। एज पर सेज लॉ एंड वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज अकर्स इन द इकोनॉमी विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, एग्रीगेट आउटपुट वुड रिमेन कॉन्स्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन, क्या लिखा गया है। वे, वे, बंद करने बाहर जा, विथ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एग्रीगेट आउटपुट वो सेम रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन कब, शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर। और वेलोसिटी ऑफ मनी एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट वो अगर कॉन्स्टेंट रहा तो प्राइस लेवल विल बी डिटरमाइंड बाई मनी सप्लाई, तो प्राइस लेवल किससे डिसाइड किया जाएगा, मनी सप्लाई से डिसाइड किया जाएगा। ओके अब अगर प्राइस एम, क्या लिखा है, एम एम अगर इंक्रीज हुआ मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा है लोग उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, सिंपल इक्वेशन है ये, बराबर। तो याद रखना है कि जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, यानी एम इंक्रीज होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ मनी इंक्रीज होता है, यानी सप्लाई ऑफ मनी जब इंक्रीज होता है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, राइट। अब हाउ इज मनी सप्लाई डिटरमाइंड, तो मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट या तो सेंट्रल बैंक। अब डिमांड फॉर मनी, ये अभी इस सेमेस्टर में नहीं, मनी सप्लाई की थियरी, मनी सप्लाई की थियरी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स यानी नेक्स्ट जो आता है ना, इसके बाद का सेमेस्टर उसके अंदर है,
डिमांड फॉर मनी द कैम्ब्रिज वर्जन। देखें, व्हाट डिटरमाइंस द डिमांड फॉर मनी इन द क्लासिकल थियरी, मनी इज यूज सोली एज अ, अंडरलाइन करो, क्लासिकल थियरी में मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से यूज करना समझाया गया था। तो मनी सप्लाई यानी मनी की जो डिमांड है वो एग्रीगेट आउटपुट यानी प्राइस के साथ, एग्रीगेट आउटपुट इंटू प्राइस यानी पी इंटू वाई करेंगे, प्राइस और इंटू वाई यानी क्या लेवल ऑफ आउटपुट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डिमांड फॉर मनी आ गया। सिंस अ यूनिट ऑफ मनी इज यूज मल्टीपल टाइम्स यानी बार बार पैसा यूज होता है यानी वी यानी वेलोसिटी, तो गिवन अमाउंट ऑफ मनी कैन बी यूज टू कैलकुलेट जीडीपी। तो अगर हमको एम फाइंड आउट करना है तो वन अपॉन वी पी वाई। ये तो अगर मैं एकदम सिंपल इक्वेशन इसका बनाऊं तो सिंपल इक्वेशन इस तरह से बनेगा। देखो, अगर कैलकुलेट करना है तो एम इज इक्वल टू वी वाई अपॉन, ये आएगा तुम्हारा वी यानी वेलोसिटी ऑफ। ये इक्वेशन के ऊपर से कुछ भी फाइंड आउट किया जा सकता है। आपको तीन चीजें दी जाएगी एग्जाम में, आपको कोई भी एक चीज फाइंड आउट करनी है, इसमें प्राइस, उसके बाद में वाई यानी आउटपुट और वी यानी वेलोसिटी। आपको सप्लाई ऑफ मनी फाइंड आउट करना है। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो पी वाई अपॉन एम आ जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर आपको समझो कि आउटपुट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, एम वी अपॉन पी करेंगे, यानी एम वी यानी सप्लाई ऑफ मनी वेलोसिटी ऑफ मनी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। और इसी तरह से अगर मुझे समझो प्राइस लेवल फाइंड आउट करना है तो एम वी अपॉन वाई, ये चार फॉर्मूला बन गई तुम्हारा, बराबर ना। चारों चार फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला के ऊपर से बनाई जा सकती है। और हमको हमेशा बेसिक फॉर्मूला कौन सी याद रखनी है, एम वी इज इक्वल टू पी टी, या तो टी की जगह पे वाई लिख दो तो एम वी इज इक्वल टू पी वाई, ये फॉर्मूला अपने को याद रखनी है बेसिक। अब आई अपॉन वी इज इक्वल टू के, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है इसलिए हमने इसको कांस्टेंट माना। तो द प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम विच इज हेल्ड बाय द पीपल टू मेक इन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड गिवन वी के इज कांस्टेंट, वी और के को यानी कांस्टेंट यानी वी यानी के ही हुआ ने, उसको कांस्टेंट मान के। नाउ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, देखो ये जो मैं अभी फॉर्मूला बना रहा था वो एग्जैक्टली वही है, एम एस इज इक्वल टू एम डी, एम एस यानी सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू क्या आएगा डिमांड ऑफ मनी इक्वल, दस मनी सप्लाई डिटरमाइंस द प्राइस लेवल गिवन वी एंड वाई, वी और वाई चेंज नहीं होता ऐसा मान के चलना है, यानी आउटपुट कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है। अ चेंज इन मनी सप्लाई, इससे प्राइस लेवल भी चेंज होगा लेकिन सेम डायरेक्शन, यानी अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो 10% मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी 10% बढ़ेगा, सेम प्रपोर्शन का मतलब ये हुआ, राइट। अब ये देखो उसके बाद वाले पेज पे एक डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम में आपको है ना 45 डिग्री के एंगल के ऊपर डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि प्रपोर्शनेट और सेम लिखा हो ना तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का, राइट। अब डिमांड ऑफ मनी पी वाई अपॉन वी लिखा गया है, जितनी प्राइस इंक्रीज होगी एक्जेक्टली उतना अपना क्वांटिटी ऑफ मनी भी मार्केट, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी जितना इंक्रीज होगा उतनी प्राइस इंक्रीज। हम रिवर्स सब स्टडी करते हैं, तो पहले क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में ओ एम वन लेवल की, ओ एम जीरो लेवल की थी, अब हमने एम जीरो एम वन जितना मार्केट में पैसा इंक्रीज किया तो इससे प्राइस भी पी जीरो से पी वन की तरफ चली गई, इसका मतलब प्राइस लेवल भी इंक्रीज हुआ, पर इतना ही इंक्रीज हुआ जितना तुम एरो बनाओगे एम जीरो एम वन का, उतना सेम लेंथ का एरो बनेगा किसका, पी जीरो पी वन का भी बनेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट इन द क्लासिकल सिस्टम लिव्स द क्लासिकल सॉरी एसेंशियल कंक्लूजन अनचेंज, मतलब जो क्लासिकल थियरी में बताया गया था सेज लो के अंदर वो यहाँ पे भी साबित हो जाता है। इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर्स रिस्टोरेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इवन इन केस ऑफ अ डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड कम भी होती है ना तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट को अपने रिस्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हमको नया इक्विलिब्रियम ढूंढने के लिए क्या चाहिए, खाली आउटपुट मिक्स चेंज करना है, यानी कंजम्पशन के अंदर कम करना है या इन्वेस्टमेंट के अंदर कम करना है, ऐसा करना है खाली, बस लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो सेम रहेगा, लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहेगा लेकिन आउटपुट का मिक्स यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गुड्स का प्रपोर्शन खाली चेंज होगा। फाइनली इन द क्लासिकल सिस्टम
द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम बिटवीन मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। दो चीजें इसको डिसाइड करती है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों मिलके। एनी चेंज इन मनी सप्लाई चेंजेस ओनली द लेवल प्राइस लेवल इन इक्वल प्रपोर्शन लीविंग रियल वेरिएबल्स अनचेंज। रियल वेरिएबल्स कौन कौन से? एक तो रियल वेजेस, ये तुम्हारा रियल वेज के अंदर आता है राइट, उसको कभी भी चेंज नहीं करना है, उसको सेम रखना है सब।